बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मैग्नेटिज्म। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया, कैपेसिटर डिस्कस किया, मतलब जो चार्ज से रिलेटेड था, है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म। एक्चुअली इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट माना गया था कि ये दोनों डिफरेंट है, बट बाद में पता चला डिफरेंट नहीं है, एक ही चीज है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बट अभी हम लोग इसको डिफरेंट जैसा ही एज्यूम करके चलेंगे शुरुआत में, और क्या रिलेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है वो डिस्कस करेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है, चार्ज एट रेस्ट पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, चार्ज मोशन में है तो फोर्स लगाएगा कि नहीं, कितना फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। वी विल डिस्कस ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट्स प्रोड्यूस करता है या देयर सम अनदर थिंग ऑल्सो विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और नॉट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले जो है वो बच्चों इसको तीन सेक्शन में बांट रहा हूँ या चार सेक्शन में कर सकते हैं। पहला सेक्शन है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। MF का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिखा है ना, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक सेकंड रुकना थोड़ा सा दूसरा पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर। ये दो सेक्शन हुआ बच्चों, और ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो सेक्शन है। थर्ड पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फोर्थ विल डिस्कस एक अलग चैप्टर है जिसमें बार मैग्नेट क्या होता है, सबसे लास्ट में ये डिस्कस करूंगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट बच्चों जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, जैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर डिस्कस किए थे, तो ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो ये हमारा पूरा अभी हम लोग बताया कि ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है, तो बार मैग्नेट तो प्रोड्यूस करता ही है, जो मैग्नेट तुम लोग थोड़ा सा आइडिया होगा, और करंट कैरिंग वायर, अगर वायर से करंट जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। So, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो यही होने वाला है ना। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, है ना, व्हाट इज डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ोगे, और एक और क्या होता है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बार मैग्नेट्स क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, दैट इज कॉल्ड डिप, दैट इज कॉल्ड डेक्लिनेशन, है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है,
गैल्वेनोमीटर हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, मैग्नेटोमीटर है, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल आइडिया लगा इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ज्वाइन हो गए सारे बच्चे? मैं तब तक वेट कर रहा था। यस 52 बच्चे हो गए। अदिति तो लास्ट क्लास में क्यों एब्सेंट थी? अच्छा बाहर का आवाज आ रहा है क्या ज्यादा? नो सर। सर बिहार के ट्रैफिक समझ सकते हैं। ठीक, चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं बार मैग्नेट का आइडिया देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जैसा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े थे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? तो अभी सबसे सिंपल आइडिया ले रहा हूं बच्चों, मैग्नेट्स, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट्स। और इसको पता है इसमें एक होता है बच्चों साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल, थोड़ा सा आइडिया है। और कुछ ये भी आइडिया है क्या, अगर बार मैग्नेट्स को हम फ्रीली हैंग करते हैं, है ना, फ्रीली हैंग किया तो जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में, ये सपोज नॉर्थ डायरेक्शन, ये सपोज साउथ डायरेक्शन है, तो एंड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में एक पॉइंट करेगा और एक दूसरा जो एंड है वो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इसी के नाम पे इसको बोल देते हैं नॉर्थ पोल। और इसको बच्चों बोल देते हैं साउथ पोल। ठीक है, ये हम सिर्फ वो चीज पढ़ा रहे हैं जो तुम लोग पहले से जानते हो। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा तुम लोगों को ये आइडिया है क्या कि अगर दो बार मैग्नेट है बच्चों साउथ नॉर्थ, एक दूसरा बार मैग्नेट ले लिया, मैं वहीं से स्टार्ट करूं जो तुम्हें पता है, बताओ ये दोनों मैग्नेट में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। तो पता है। रिपल्शन, है ना, क्योंकि सिमिलर पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर ऐसा रहेगा नॉर्थ साउथ, यहां बच्चों कैसा लगेगा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स, इतना तो पता है। अच्छा ये भी तुम्हें पता होगा कि एक बार मैग्नेट को अगर सब कुछ हमने कट कर लिया, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है सपोज, और क्या किया ऐसे ऐसे कट कर लिया, तो हमें दो मैग्नेट मिलेगा, तो क्या सिर्फ हमें नॉर्थ पोल मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे साउथ हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, है ना। सो तुम लोगों को पता है मोनोपोल यस का कुछ थे क्लियर? मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, जब भी बार मैग्नेट्स को अगर कट करोगे तो यहां पे सोचो कि ये यहाँ पे एक साउथ है एक नॉर्थ है, दोनों मिल गया तो ये एक जैसा न्यूट्रल जैसा बिहेव करता है। तो जितने पार्ट में भी कट करोगे यू विल गेट डायपोल वनली, मोनोपोल नहीं मिलेगा, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। क्यों ऐसा होता है, क्यों मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डायपोल मिलता है, ये इस चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके चलो बच्चों, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो मैग्नेट्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
दिस विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और जैसा ये इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था बच्चों वैसा ही यहाँ भी है, फील्ड लाइंस ऐसा होगा और फील्ड लाइंस साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। साउथ पोल को ट्रीट करते हैं बच्चों निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज और नॉर्थ पोल को ट्रीट करते हैं लाइक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो फील्ड लाइंस क्या होगा, नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा और साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, इस टाइप का रहेगा बच्चों, ये और आगे जाएगा ऐसे। लेकिन अंदर में फील्ड लाइंस कैसा होता है पता है, बाहर में नॉर्थ से निकला और साउथ पे टर्मिनेट किया, बट अंदर में साउथ से निकलेगा और नॉर्थ पे टर्मिनेट करेगा। दिस विल बी द फील्ड लाइंस, दिस इज द बच्चों डिफरेंस, दिस इज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां पे मैं एक पॉइंट्स कुछ लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्लोज लूप। कम से कम बच्चों जितने बच्चे सुन रहे हैं वो कम से कम याद कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है बच्चों, क्लोज लूप। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स क्लोज लूप। यहां पे लिख लेते हैं अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद हो गया ये जो डायग्राम बनाया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा और साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो जाता है। जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल में होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल में देखो फील्ड लाइंस प्लस क्यू से निकला और माइनस क्यू पे टर्मिनेट किया है ना, लेकिन अंदर में भी पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा, अंदर में भी वैसा ही रहेगा। सो ये देखो क्लोज लूप नहीं बना रहा है, ये क्लोज लूप नहीं बना रहा है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे स्टार्ट करने के लिए मैंने समझा दिया, चलो अभी जाकर के कुछ बच्चे आए, 57 बच्चे हो गए, अब तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चों कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को ना हमने डिनोट करते हैं बी से, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी बारे में डिस्कस किया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पे तो फोर्स लगाएगा ही, क्या चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों मोशन ऑफ चार्ज पार्ट, ये पिछले चैप्टर से थोड़ा आसान होगा, थोड़ा आसान होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, और स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। तो अभी से भी तो यश पाटले इतना देर बाद समझ में आया, दिस इज न्यू चैप्टर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसको ऐसे दिखा रहा हूं इन टू द प्लेन, सपोज
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इनटू द प्लेन। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया यश पाकले, बताओ कितना देर तुम लोगों के लिए वेट करें? मैं बस मस्ती कर रहा था, अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। और बच्चों यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख दिया, देखा गया इट विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन अगर इसको कुछ वेलोसिटी दिया तो देखा गया इस पे कुछ फोर्स लगा, लेकिन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिया है उस पे डिपेंड कर रहा है। अलग डायरेक्शन देंगे फोर्स विल बी डिफरेंट। तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखा गया कि फोर्स और ए चार्ज पार्टिकल कितना होता है बच्चों, तो ये फॉर्मूला विल टेल यू एवरीथिंग, क्यू वी क्रॉस वी, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। अब क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोगों ने पढ़ा है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों ये लिख लो, फोर्स ऑन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। सो इफ वी इज इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ वी एंड बी आर parallel or anti-parallel, what will be the force? Parallel का मतलब थीटा जीरो हो जाएगा बच्चों, थीटा क्या हो जाएगा जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे जीरो कब कब होगा? या तो वेलोसिटी जीरो है, या तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों केस में होगा। चलो और क्या कंक्लूड करेंगे बच्चों, चलो किसी एंगल पे है तो फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर टू बी, ये जो एन कैप है वो किसके परपेंडिकुलर है? बी के भी परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर? यस सर। चलो बच्चों फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, आज एफ बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स, बी लिख दिया मैग्नेटिक फोर्स, इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो। क्या आज हम लोगों ने ये सीख लिया बच्चों? यस सर। कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं?
वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो. 90 डिग्री पे बच्चों फोर्स और वेलोसिटी, मतलब कैसा भी हो किसी भी सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स विल डू जीरो वर्क ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मोशन. रेस्ट में तो मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो. चलो बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी हमने क्या कहा, एफ बी मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू चार्ज वी क्रॉस बी, है ना, वी क्रॉस बी. अभी हमने कहा फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज कैन मैग्नेटिक फोर्स चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. बच्चों क्या मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट चेंज, है ना, इसको विल के जगह पे लिखते हैं कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. इज इट क्लियर? वर्क नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड ऑफ द पार्टिकल. इज इट क्लियर बच्चों यहां तक? मैग्नेटिक फोर्स स्पीड नहीं चेंज करेगा. बच्चों एक बार सुन लिया कैसे भूलोगे, इतना स्लोली बता रहा हूं, इतना प्यार से बता रहा हूं. कैन मैग्नेटिक फोर्स चेंज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? Velocity of a charged particle. Answer will be yes. Velocity to change karega. Sirf velocity ka direction change karega. Magnitude change nahi karega. यस आयुष, डायरेक्शन चेंज करेगा संस्कृति, डायरेक्शन चेंज होगा. सो वेलोसिटी विल चेंज, स्पीड विल नॉट चेंज. ओके, चलो बच्चों एक काम करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रखा, बी सेम रखा, क्यू सेम है, तो एफ बी मैक्सिमम कब होगा? कब होगा बच्चों? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. 90, ठीक है ना.
तो मैग्नेटिक फील्ड थीटा का मतलब क्या हुआ? थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. चलो बच्चों देखते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों? यहां से बोल सकते हो कि यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? ये बी का जो यूनिट है वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर और सेकेंड चला जाएगा ऊपर. इज इट क्लियर? न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर बी का यूनिट. इसी को बोलते हैं बच्चों टेस्ला, डिनोटेड बाय टी, एसआई यूनिट है ना. तो ऐसे हो सकता है बच्चों वन टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर पर मीटर ऐसे दिया रहेगा. तो ऐसे भी नीट में सवाल आ सकते हैं. तो लेते हैं बच्चों B इज इक्वल टू, सपोज ले लेते हैं B इज इक्वल टू 5 मिली टेस्ला आई कैप. वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप है ना प्लस 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप. चार्ज बच्चों ले लिया हमने सपोज 100 माइक्रो कूलम. व्हाट इज द फोर्स? कैन यू कैलकुलेट? फटाफट निकालो बच्चों कैसे निकालेंगे फोर्स. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम फॉर दिस. बच्चों यहाँ पे सवाल दिया है कि फोर्स निकालना, सारा चीज दे दिया है. F इज इक्वल टू होता है क्यू, क्योंकि 100 माइक्रो कूलम है, SI यूनिट में पुट करना है तो इतना. V दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और क्रॉस 5 मिली टेस्ला दिया बच्चों, टेटा माइनस 3 है ना, और यूनिट तो एसआई यूनिट में है, इतना आई कैप. ये जो वैल्यू आएगा बच्चों वो न्यूटन में आएगा बिकॉज सबको हमने एसआई यूनिट में पुट किया. आई क्रॉस आई हो जाएगा 0, जे क्रॉस आई, व्हाट इज जे क्रॉस आई? के या माइनस? माइनस के. माइनस 10 टू माइनस 6 और 10 टू माइनस 3 हो जाएगा 10 टू माइनस 7. ये 100 भी काउंट कर लिया, इतना इंटू 15 है ना और न्यूटन और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.5 माइक्रो न्यूटन माइनस के कितना है? कैसा फोर्स है? छोटा सा फोर्स है, बड़ा फोर्स है. क्लियर यहां तक? यस सर. अब मेडिकल में कैसे सवाल आते हैं वो देखना. सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ और ये वेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनटू द प्लेन दैट मींस वर्टिकली डाउनवर्ड है. ये दे दिया है. और एक पॉजिटिव चार्ज को नॉर्थ के डायरेक्शन में वी नॉट डायरेक्शन वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया. डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछेगा बच्चों. ऐसे सवाल मेडिकल में डायरेक्शन ऑफ फोर्स.
ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड में होगा, साउथ में होगा, किधर होगा? ठीक है, देखो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है, क्यू भूल तो नहीं गए होगे तुम लोग, भूल गए हो, भूल ही गए होगे, क्यू वी क्रॉस वी, सबसे पहले क्या करेंगे, वी के तरफ फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, वी के तरफ, और बी, बी किधर है, वर्टिकल डाउनवर्ड, देख लो फिगर के अकॉर्डिंगली किधर हो जाएगा, वेस्ट, वी क्रॉस बी, देखो हाथ घुमाओ, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड को फ्री करना है, यस आयुष, राइट हैंड कर्ल रूल, तो किधर आ गया फोर्स बच्चों, सबको दिख रहा है क्या, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, सारे बच्चे कंफर्म करो, इज इट क्लियर, वेलोसिटी के लॉन्ग को स्ट्रेच करो, बी के लॉन्ग कर्ल करो, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेक्टर भूलना नहीं है, प्रिया पाटिल को याद आ गया, और इस चैप्टर में ना हाथ बहुत घुमाना पड़ेगा डायरेक्शन निकालने के लिए, टेंथ क्लास तक ना तुम लोग कुछ और मेथड पढ़ोगे, तब सारे मेथड को भूल जाओ, वेक्टर वाला वेक्टर पढ़ चुके हो, चुके नाइन्थ टेंथ में वेक्टर नहीं पढ़ते, इसलिए अलग अलग मेथड होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल समथिंग और भी, तो अभी सबको भूल करके इसी पे फोकस करो, क्रॉस प्रोडक्ट, चलो ये कर लिया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स अबाउट स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एक्सेप्ट है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है, बहुत छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से देखना है इसको, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है जहां पे यूनिफॉर्म है, मतलब डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, और एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, कैसे थ्रो किया है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ बच्चों, अगर यहाँ पे कहा पॉजिटिव चार्ज दे लाइक प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल को इधर थ्रो किया, तो डायरेक्शन किधर आया था, वेस्ट में, बट सपोज अगर इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करता है इधर, तो फोर्स किधर होता है, कैन यू टेल मी, इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करता तो बच्चों ये जो है अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये V क्रॉस B और फिर साइन निगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर हो जाएगा बच्चों, V क्रॉस B से निकालो जो डायरेक्शन होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इज इट क्लियर, यस सर, निगेटिव चार्ज पे उल्टा डायरेक्शन लगा, यस प्रिया एकदम सही जवाब दिया, चलो देखो हर छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो तो लिखो तब तो, बच्चों एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस दे रहा हूं, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, ये पूरा यूज करूंगा इस चैप्टर में, और ऐसा रहेगा, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन,
और कृष्णा ने कहा सर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, इतना देर डिस्कनेक्ट रहा। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन में सिर्फ क्या कहा था कृष्णा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। देखो V और B, सबसे पहले V के अलोंग नॉट के डायरेक्शन में V क्रॉस B, B जिधर है कर्ल करो B के तरफ। डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उल्टा, दैट्स इट। अब सबसे इसको वेलोसिटी इधर दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इस पे फोर्स को बता सकता है किधर होगा। ओके सर इस पे जो फोर्स होगा वो इधर आ जाएगा, देखो चेक करो V क्रॉस इनटू द प्लेन, ऊपर हो जाएगा फोर्स। तुम्हें क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स इसके परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी इसका जो हो जाएगा कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा, जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुआ डायरेक्शन भी फोर्स का चेंज होगा, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, क्या लग रहा है बच्चों, पार्टिकल का पाथ जो होगा वो कर्व्ड होगा, और कर्व्ड होते 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 दिस विल कंप्लीट ए सर्कुलर पाथ। सर्कल अच्छा से नहीं बना दूसरे, अगर ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है सो दिस विल कंप्लीट ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कल पे रोटेट करेगा। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेलोसिटी। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, अरे कौन उसके वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, यस करेक्ट बच्चों। एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लो, दिस विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, इसको वेलोसिटी दिया वी, मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है बच्चों एफ लग रहा है, और ये सपोज रेडियस आर के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम क्या हो जाएगा सॉरी एफ क्या हो जाएगा क्यू वी बी, और साइन थीटा वन बच्चों बिकॉज 90 डिग्री पे है। क्या ये फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हो, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, एक वी बच्चों चला गया, आर का वैल्यू देखो, आर निकालना था मुझे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एम वी अपॉन क्यू बी, और आज का क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा एकदम से ऐसे सोचो कि ये फॉर्मूला तुम्हें भूल भी जाओ तो ये डिराइव कर लेंगे कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखते हैं कितने बच्चे कनेक्टेड हैं। मानसी तू सीरियल नंबर से क्यों नहीं ज्वाइन है, अर्चिशा
अर्चिता तू ग्रुप पे नहीं देखी क्या, तू इसमें ज्वाइन है? मैंने कहा ना अभी स्वप्निल सर का लेक्चर होगा। और तुझे ये भी नहीं पता चला कि तुम्हारे सिलेबस का चल नहीं चल रहा है चीजें? यस देवकी क्लियर यहां तक? यस सर। निकिता कुमार शुभम कावित इज इट क्लियर? शुभम यस सर। यस सर। गुड। ए विशाखा भी आज क्लास अटेंड कर रही है, क्या बात है विशाखा। यस वर्धन चतुर्वेदी, क्या हम रेडियस का डेरिवेशंस कर सकते हैं? भूल गए तो एम वी अपॉन क्यू वी। एम वी को क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंटम। P. ये क्या है? मोमेंटम। बच्चों अभी ना बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे इस कंसेप्ट पे जो अभी बता रहा हूं। ये मोमेंटम के टर्म में लिख लिया। समटाइम्स सेज दैट देयर आर टू चार्ज पार्टिकल जिसका काइनेटिक एनर्जी सेम, ऐसा दिया रहेगा। मतलब तुम्हें लिखने के लिए डबल है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का टर्म में इंफॉर्मेशन रहेगा। डू नो काइनेटिक एनर्जी के जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो जाता है। तो क्या रेडियस को हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों? In terms of kinetic energy, root under अब इसको रट्टा नहीं मारना एकदम से। You should know the derivation. Sometimes, ऐसे कहा जाता है बच्चों कि दो चार्ज पार्टिकल है जिसको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट कराया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी, तो चार्ज रेस्ट में वी पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट एक्सलेट कराया। तो क्या होगा उसका जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट क्यू इंटू वी, और वो कहां जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। वी इज द पोटेंशियल नॉट वेलोसिटी। इन दैट केस हम फॉर्मूला में कहा जाएगा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं दे देगा, इसको एक्सलेट कराया है वी पोटेंशियल डिफरेंस से। 2m और k के जगह पे लिख लेंगे बच्चों q इंटू वी कैपिटल v अपॉन क्यू वी। इफ चार्ज पार्टिकल इज पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो इतना लिख लो, कोई सवाल नहीं होगा कि जो नहीं बनेगा तुमसे। और ये परेशान मत होना, एक ही सवाल को एक ही कंसेप्ट को मैं दूसरे दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। प्रथमेश यहां तक क्लियर? यस सर। सर लास्ट पेज का लिखना था। ठीक है दिखाता हूँ।
दिखा रहा हूँ बच्चों, अगर v velocity थ्रो किया दिस विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, रेडियस पहले बताओ, रेडियस देव की कितना होगा, रेडियस mv अपॉन q इनटू b, mv अपॉन q इनटू b, या तो बच्चे रट्टा मार लेते हैं नहीं तो फिर से मैं लिख रहा हूं, खुद से सोचना कैसे लिखा था, फोर्स कितना चाहिए, फोर्स इधर सेंटीपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, तो अभी याद हो जाएगा फोर्स होता है कितना है बच्चों, q vb sin थीटा, थीटा 90 है, तो क्या डेरिवेशन में लगा यार, v और v कैंसिल, r कितना हो जाएगा mv by q, भी दूसरी बार डिराइव कर लिया, याद हो गया, यस सर, यस सर, यस यस कृष्णा, बहुत स्लो लिखता है तू, प्रीवियस पेज चलो दिखा दिया इस बार फिजिक्स में एकदम लीक से हटके सवाल थोड़ा पूछा है, चैप्टर का वेटेज नहीं दिया, किसी से बहुत सारे सवाल, किसी से बहुत कम सवाल, है ना, थोड़ा आर्बिट्री था, बट एनीवे तुम्हें हर तरीके के लिए रेडी रहना है, डोंट वरी, और तुम्हारे लिए तो अच्छी चीज है, इसके पहले ये हो गया है, मतलब कृष्णा क्या हो गया, ये किसने पढ़ा दिया सर, ये वाला पेज हो गया, इसके पहले वाला पेज का नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, ठीक, चलो सवाल लेते हैं, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को क्या किया है, सेम स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है, दे मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर पी एंड आर अल्फा, फाइंड RP by R. Okay sir, radius जो होता है वो क्या होता है, MV upon QB. क्या क्या सेम आ दिया बच्चों, V सेम है, सेमैटिक फील्ड में थ्रो किया गया, सेमी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया, सो आर जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, एम बाई क्यू का, दिस इंप्लाइज आर पी बाई आर अल्फा क्या होने वाला है, एम पी बाई एम अल्फा इन टू क्यू के इनवर्सली प्रपोर्शनल, बच्चों क्यू अल्फा अपॉन क्यू, देखो कुछ बच्चे एग्जिट करना शुरू कर दिए,
mp by m alpha कितना होगा? What is the mass of the proton? Mass of the alpha. क्या रिलेशन है बच्चों? Mass of the alpha is how much? 4 times mass of the proton. 4 times. Yes. Q alpha क्या होता? Alpha particle is what? 2019 में पूछा था अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये नीट का सवाल था. हीलियम न्यूक्लियस, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हीलियम से निकाल दिया, वही ना अल्फा पार्टिकल. तो yes. दो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, प्रोटॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है. सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1:2. किसी ने भेजा क्या आंसर? आयुष कहाँ गड़बड़ी किया सर? वो इलेक्ट्रॉन में. अल्फा पार्टिकल इज हीलियम प्लस प्लस, बचपन से पढ़े हो. इस बार ऐसा कोई सवाल नहीं था, हर साल ऐसे सवाल आते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है यार, ऐसे सवाल नहीं थे, चार मार्क्स आते. चलो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, और कौन नहीं है? नेक्स्ट सवाल बच्चों, इफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with same kinetic energy, find ratio of their circular path radii. उसके सर्कुलर पाथ के रेडियस का रेशियो बताना है बच्चों. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है, कैसे प्रोजेक्ट किया है सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ. कैन यू फाइंड दिस? आर पी अपॉन आर अल्फा, देखो एवरीथिंग इज रिटन इन दिस प्रीवियस पेज. ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ये फॉर्मूला ठीक है. ये कर लोगे, मैं आगे बढ़ता हूं. बहुत सारे सवाल इसी कंसेप्ट पे होंगे. वी वेलोसिटी थ्रो किया, दिस मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, आर इज इक्वल टू आया बच्चों एम वी बाई क्यू बी. मुझे निकालना है पता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी निकालना है. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वी बाई आर. वी बाई आर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से देख लो, v बाई आर क्या हो जाएगा? क्यू बी बाई आर. व्हाट इज टाइम पीरियड? ओके सर, ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा.
टू पाई एम अपॉन क्यू बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, टाइम पीरियड जो है बच्चों टू पाई एम अपॉन क्यू बी इंडिपेंडेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों कितना स्पीड से थ्रो करोगे, ये घूम के वापस जो आएगा वो उतने ही टाइम पे आएगा, स्पीड से इंडिपेंडेंट है। और ये कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे लिख लेता हूं, दिस कंसेप्ट इज यूज इन ये पढ़ाऊंगा, एक डिवाइस पढ़ाऊंगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? चार्ज एक्सेलरेटर है। चार्ज को एक्सेलरेट करके हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, उसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन में यही कंसेप्ट यूज होता है, ये कंसेप्ट टाइम पीरियड जो होता है बेसिस ये है। चलो दो तीन बच्चे वापस आ गए। ओके बच्चों, तो अभी हमने क्या निकाल लिया बच्चों? ओमेगा निकाल लिया। साइक्लोट्रॉन के नीचे क्या लिखा है? चार्ज एक्सेलरेटर। चार्ज एक्सेलरेटर ठीक है। अगर पूछा जाए बच्चों कि ये कितना एंगल चलेगा, तो थीटा, तो थीटा किसी टाइम पे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां चला है तो क्या लिख लोगे? ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। ओमेगा कितना है? क्यू बी बाई एम इंटू टी। दिस इज द एंगल रोटेटेड इन टाइम टी। ये क्या है? यहां तक क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए तो ओमेगा क्या होता है? टू पाई इंटू एफ। सो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? वन बाई टू पाई इंटू, अगर मान लो कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक चीज ध्यान में रख। तो सब रिलेटेड है, एक दो बार सॉल्व करोगे सब आ जाएगा, कोई नया नया चीज नहीं बता रहा। सर प्रीवियस पेज दिखाइए। थैंक यू सर। तो अभी हमने कहा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, बट सोचो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है। इस लाइन के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है, ऐसे थ्रो। पूछा जाए बच्चों कि ये चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। अब यहां आएगा तो यहां पे वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा,
और ये बाहर निकल जाएगा फिर सीधे निकल जाएगा। ये कितना देर सर्कुलर पाथ कितना मूव किया इसमें, हाफ सर्कुलर पाथ मूव किया। अगर पूछा जाए कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम निकाल सकते हो बच्चों? तो अगर सर ओमेगा टी जो है कितना चला एंगल, पाई चला है, तो टी कितना हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है वो पीछे देख के बताओ, क्यूबी बाय एम था, क्यूबी बाय एम टी। यस, ऐसे भी टाइम पीरियड का हाफ भी कर सकते, तो टू पाई एम बाई क्यूबी था टाइम पीरियड, तो इतना टाइम स्पेंड किया। इज इट क्लियर? पूछते बच्चों की यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, जब इन किया और जब बाहर आया, व्हेन इट इंटर द मैग्नेटिक फील्ड जोन एंड व्हेन इट कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जोन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या कहोगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले वी आई कैप था, बाद में वी माइनस आई कैप हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी टू वी माइनस आई कैप हो गया अपॉन टाइम। टाइम कितना है, दिस इज बच्चों एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? वैसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर बच्चों मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर नहीं जा करके बच्चों किसी एंगल पे अगर सपोज जाए, ऐसे इनकरा थीटा एंगल पे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कैसा पाथ होगा इसका? कैन यू फाइंड कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बच्चों इधर लगेगा, तो इसका सेंटर किधर होने वाला है, कहीं यहां होने वाला है। इसका सेंटर कहीं यहां होने वाला है, दिस इज द रेडियस आर। देख लो वी क्रॉस बी फोर्स थंब का डायरेक्शन, और दिस पाथ विल बी लाइक दिस। ये तुम लोग दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना, मैंने एक में ही ड्रॉ कर लिया क्योंकि मेरे पास कलर अलग था, तो मैं ड्रॉ कर लिया ऐसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूं। तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, this angle is also theta, so this angle is theta. Can you tell me कि कितना time ये magnetic field region में spend किया, how much angle it has rotated? तो कोई बता सकता है इतना angle rotate किया? ये बहुत सारे बच्चों को अभी समझना बंद हो गया होगा क्योंकि figure सही से नहीं बना है। मैं दूसरे पेज में figure draw कर रहा हूँ फिर से। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, इनटू द प्लेन इज द मैग्नेटिक फील्ड,
वी क्रॉस बी, देखना बच्चों ये लाइन के ना इधर है वी इंटू द प्लेन है बी, तो फोर्स इधर होगा, फोर्स हमेशा टूवर्ड सेंटर होगा, तो कहीं यहां पे हो जाएगा बच्चों सेंटर, कहां है इस लाइन पे, बढ़ नहीं पता, यहां पे ले लिया, इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ मान लिया ऐसे आएगा, सर्कल कंप्लीट करता बट कंप्लीट करने से पहले ही निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, अब देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये रेडियस है बच्चों तो ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्री तो दिस आल्सो इज थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा सो दिस इज थीटा, सो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये परपेंडिकुलर लाइन से थीटा एंगल पे निकलेगा, ये चेक कर लो, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों पाई माइनस टू थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये थीटा पाई माइनस टू थीटा, इफ समवन आस्क हाउ मच एंगल इट हैज रोटेटेड सो दिस वन एंगल, हाउ मच दिस एंगल इज बच्चों 2 pi minus 2 theta. So this will be pi plus 2 theta. Chahiye concept clear? Ye bahut sare bachchon ko tough laga hoga. So how much time it spends बच्चों magnetic field में, तो omega t is equal to pi plus 2 theta, this implies t is equal to how much pi plus 2 theta divided by omega, omega कितना है qb by m, ये कर लिया, क्लियर यहां तक,